मेरा इतना ज्यादा बैड लक है कि मैं क्या बताऊं। अभी मेरा रास्ते में ये आप यहां से पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग हुमायूं टॉम में पहुंच गए हैं। और वो पहले वाला जो गार्डन था वो सुंदर गार्डन था, मुझे लगा कि वो हुमायूं टॉम है, लेकिन वो नहीं है। बाकी ये सामने का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये अंदर जाने का एंट्रेंस है, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग थे, यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा है। बाकी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो भाई अंदर हल रहे हैं हल्के जाएंगे ना, और ये लोग घुस चुके हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अंदर का नजारा काफी रोमांचक होने वाला है, इधर से तो दिख रहा है बहुत डेंजर। ओ भाई, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को भी दिख रहा होगा। इधर अभी आते समय सब कवर करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। तो मुख्तार भाई एक चीज मिस कर दिए, बता दो भाई। यार क्या बताऊँ, मैं वहाँ अंदर वो दूसरे वाले गार्डन में सोया था, बैठा था कि क्या हुआ, मेरा नेक बैंड चला गया यार, मेरा नेक बैंड गायब हो गया। अब तक ढूंढ भी नहीं सकता, पता नहीं कहाँ गिरा, बहुत बड़ा है वो, मिलना बहुत मुश्किल है। चलो कोई ना, देखते हैं दूसरा लेना पड़ेगा आपको। तो भाई देखिए, थोड़ा समझदारी से मुख्तार भाई की तरह आप भी। अच्छा लग रहा है अंदर, तो खतरनाक वाला नजारा है मुख्तार भाई। देख कितना बड़ा ताजमहल, जितना बड़ा वहाँ 50 रुपये दे के कुछ फायदे नहीं हुआ, यहाँ 40 रुपये दे के कुछ फायदे हो गए। तो ताजमहल वाला अभी अंदर चलेंगे, एंट्री अंदर करते हैं, क्योंकि अंदर का नज़ारा थोड़ा देखा जाए जरूरी है। और ये एकदम सिमिलर लाइक ताजमहल की तरह है, इसको रेड ताजमहल बोल सकते हैं। ये चढ़ नहीं पाएंगे, झुक के थोड़ा पकड़ के चाहिए। अबे जैसे पहाड़ लग रहा है। मैंने बताया नहीं वीडियो में, यहाँ का टिकट जो है 40 रुपए है। वाह, ऊपर से नजारा इसका फुल मजे आ जाएंगे। ये किसके किसके हैं ये मुझे नहीं पता। बाकी ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जब ऊपर आओगे तो जो हवा चलती है ये इस ऊंचाई पे, वो हवा गर्मी और पसीने के साथ ये हवा का मजा आप जब लोगे तो उसका अलग ही मजा आएगा। और ये फैजान भाई ये नीचे पता नहीं क्या देख रहे हैं, बाकी आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई है, डर लग रहा है नीचे देखते हुए। ये उधर का कुछ, इधर से भी एक एक छोटा सा गेट बना हुआ है, और ये इधर से ये मेन एंट्रेंस है, ये जो दिख रहा है। बाकी ये एक एक तरफ से आप इसको हुमायूं टॉम नहीं, रेड ताजमहल बोल सकते हो इसको। और फैजान भाई फोटो खिंचाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, और ये देखते हैं यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, जैसा लगता है हमने जैसे एंटर किया है उसी टाइप का है, ये उसी टाइप का है, ऐसे नीचे जा सकते हैं। इसका ढलान कम है, इसका ढलान कुछ ज्यादा ही था। मेरा इतना ज्यादा बैड लक है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मेरा रास्ते में हेडफोन गायब हो गया, मेरा ये जो नेक बैंड लिया था मैंने वो गायब हो गया। अभी मैं यहाँ, ये फैजान ने बुलाया कि यहाँ से नीचे देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये इसमें मेरा, इसने मेरा गिरा दिया। ये इसमें मेरा चश्मा गिर गया, दिखाने की कोशिश किया, दिखा नहीं, डर लग रहा है मोबाइल ना गिर जाए। तो गाइस हम लोगों ने अब अंदर बाहर का तो देख लिया, अब अंदर चलेंगे देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर का कैसा सीन है।
बाकी बाहर तो बहुत वाइड एरिया है, और अब हम लोग यहाँ का मेन गेट है, एंट्री गेट देखेंगे किधर से है। ये रहा फाइनली गेट, मिल गई है अंदर जाने के लिए, हम अंदर जाएंगे। आप देख लें किस तरह की इंजीनियरिंग की गई है, ये नक्काशी देख रहे हैं, ये उस टाइम पे उन लोग के पास क्या ऐसा क्या मशीन था कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया। इधर कुछ झूमर टाइप का, लालटेन टाइप का कुछ है, ये है हुमायूं मकबरा। इतना बड़ा बादशाह मिट्टी में मिल गया। ये अलग कमरे बने हुए हैं ऐसे कुछ, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये किसकी कब्र है या कैसी किसकी कब्र है। हाँ मर्यादा रखिए चंद्रमुखी, वो तुमने वो भूल भुलैया मूवी का सीन बता दिया। ये देखो आवाज आ रही है कुछ पायल की, छन 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 छन। तो गाइस हम लोग अब ये जो वो ब्लू कलर का एक मकबरा दिख रहा है, जो टॉम दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे। और फैजान भाई अपना कुछ लेक्चर तैयार कर रहे हैं वो हुमायूं शहंशाह के शान में बोलने के लिए। तो फैजान बोलो, थोड़ा तेज बोलना ताकि आवाज ऑडियंस को सुनाई पड़े। हुमायूं का मकबरा है भाई। तो गाइज यहाँ पे ये एक है, ये भी कोई टॉम्ब है, यहाँ पे किसका कब्र है हमको नहीं पता, लेकिन भी हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा खूबसूरत था, ये कम खूबसूरत है, यहाँ की देखभाल उतने अच्छे से नहीं हुई है, और इसी की वजह से यहाँ का मेंटेनेंस की ना होने की वजह से यहाँ का ऐसा हाल है। फैजान बहुत ही जल्दी में आगे जाते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़रा सा भी आगे जाने के लिए, उधर से नहीं जा सकते, गलत गलत बात, ऊपर नहीं जाएंगे ना हम, अपन को उधर चलना है। तो जिस तरह की मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने अभी बोला कि जिस तरह की मेंटेनेंस वहाँ पे पीछे हुआ है, उस तरह की मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं है। देख रहे हैं आप ये घास वगैरह कितनी बड़ी हो गई है। और ये मकबरा जो दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसका गुंबद जो है ब्लू कलर का है, ये मतलब काफ़ी जर्जर हालत में है अपने। अब मैं आपको अंदर से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने से, ये क्योंकि ये पेड़ आ रहा है सामने से, इधर से देखिए ये मतलब इधर साइड से आके आप देखो तो ये इस तरह का दिखता है। फैजान ऊपर चढ़ चुका है, मैं भी थोड़ा चढ़ लेता हूँ। बाकी ये जो नक्काशी इसमें की गई है, जो डिजाइंस बनाई गई हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं। मतलब ये काबिल तारीफ़ है उस ज़माने के जब कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, मतलब कुछ ऐसा था नहीं। आज तो मशीनें हो गई हैं, तरह तरह के रोबोट्स हो गए हैं, आदमी को कुछ काम नहीं करना है। मतलब ये जो नक्काशी की गई है, इतना बढ़िया जो शेप दिया गया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। सो आप लोग देख रहे हैं ये बगल में रेलवे ट्रैक है, इसकी वजह से बहुत सारा आवाज आ रहा है। ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है ना इधर, हाँ तो ये उधर का ही दिख रहा है। फैजान अंदर चला गया, मैं अंदर जाकर आपको अंदर की वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ता मिल नहीं रहा मेरा, ये पत्थर सब गल गल रहे हैं, धीरे धीरे सड़ रहे हैं पत्थर। हाँ ये गेट मिल गया, फैजान अंदर ऑलरेडी घुस चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई कुछ कब्र वगैरह नहीं बना, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो डिजाइन बनी है ऊपर,
ये बहुत ही खूबसूरत है। कैमरे की डिटेल में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन जब आँख से देखो तब दिखेगा। एक सेकंड, मैं कैमरे का मोड चेंज करके फिर दिखाता। हाँ, तो मैंने कैमरे का मोड चेंज कर दिया, अब आपको वो डिटेल दिख रही होगी। ये देख रहे हैं ये खूबसूरती, उस ज़माने में ये खूबसूरती, ये कलाकारी वाकई काबिले तारीफ़ है। और ये सब आयत वगैरह इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं कि आप कॉपी कलम लेकर के लिखो तो ऐसा नहीं लिखाएगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं उनके पास क्या ऐसा था कि उन लोगों ने इतनी बढ़िया से नक्काशी की। अब तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा इसको जानने के लिए कि मतलब उन लोगों के पास ऐसे क्या था जिसके लिए वो इतने मशहूर थे इन सब में। तो अब तो हम लोगों ने पूरा हुमायूं टॉम्ब घूम लिया है। ये आप यहाँ से पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं मतलब आपको बहुत जल्दी हो जाने के लिए, तो आप यहीं से देख के चले जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है ना भैया। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत घूमा और बहुत मजा आया, एकदम फुल एंजॉय किया। हाँ, अब ब्लॉग में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरी है। देखने के लिए इतना धन्यवाद, बाय बाय। No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not